जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं अंजलि नारायण नवद्य में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल ढोकली। तो आइए शुरुआत करते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज इन्हें लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। दाल ढोकली बनाने के लिए सबसे पहले हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और इसमें हम डाल रहे हैं 1 कप तुअर की दाल, जिसे हमने 4 से 5 बार अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं मूंगफली। 1 ग्लास करीबन हम इसमें डाल देंगे पानी, नमक, हल्दी, इन्हें हम मिला लेंगे। अब हम कुकर का ढक्कन बंद करेंगे और इसे 5 सीटी आने तक अच्छे से उबाल लेंगे। जब तक दाल हमारी उबल रही है, आइए तब तक हम ढोकली बनाने की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक बर्तन में लिया है 1.5 कप आटा और इसमें हम डाल रहे हैं 1/2 कप बेसन। अब हम इसमें डाल रहे हैं कुछ मसाले, नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, अजवाइन और हींग। 2 चम्मच करीबन हम इसमें डाल देंगे तेल। इन सभी को हम अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक सख्त आटा लगा लेंगे। ये देखिए, आटा लगाकर हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसे कवर करेंगे और 10 मिनट के लिए ऐसे ही रखेंगे जिससे ये सेट हो जाए। 10 मिनट हो गए हैं, आइए हम आटा चेक कर लेते हैं। 10 मिनट हो गए हैं, आइए आटा चेक कर लेते हैं। अब हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसे अच्छे से मल लेंगे। ये देखिए, आटे को हमने अच्छे से चिकना कर लिया है। अब हम इसकी लोइयां बना लेंगे। ये देखिए, लोइयां बनाकर हमने तैयार कर ली हैं। अब हम एक लोई लेंगे और उसको सूखे आटे से कवर करेंगे और फिर हम इसे बेल लेंगे। ये देखिए, हमने इसे बेल लिया है। इसे हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। अब हम इसके कट लगाएंगे। ढोकली को आप कोई भी शेप दे सकते हैं। ये देखिए, सभी ढोकली बनाकर हमने तैयार कर ली हैं। ये दाल जो है वो अच्छे से उबल चुकी है। अब हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे। ये देखिए, इसे हमने अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं पानी। इसमें हमने 2 ग्लास पानी डाला है। दाल की जो कंसिस्टेंसी है वो हमें थोड़ी पतली ही रखनी है, क्योंकि जब हम इसमें ढोकली डालेंगे तो ये गाढ़ी हो जाएगी और ठंडा होने के बाद तो ये और भी गाढ़ी हो जाती है, इसलिए इसे थोड़ा सा पतला ही रखें। अब हम इसमें डाल रहे हैं लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गुड़। अब हम इसमें डाल रहे हैं इमली का पानी। आप चाहें तो इसकी जगह नींबू का रस के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छा सा उबाल आने तक पकने देंगे। ये देखिए, दाल में अच्छे से उबाल आ गया है। अब हम इसमें बहुत ही ध्यान से ढोकली डालेंगे। हमने सभी ढोकली दाल में डाल दी हैं। अब हम इसे 10 से 15 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएंगे, जिससे जो ढोकली है वो दाल के साथ अच्छे से पक जाए। दाल ढोकली को पकते हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि अच्छे से गाढ़ी हो गई है। अब हम इसमें डाल रहे हैं हरा धनिया। अब हम इसके लिए एक तड़का तैयार करेंगे। इसके लिए हम एक पैन में डाल रहे हैं घी। अब हम इसमें डाल रहे हैं जीरा, हींग, अदरक, हरी मिर्च। अब हम इस तड़का को इस दाल ढोकली में डाल देंगे।
और ये देखिए ये एकदम तैयार है सर्व करने के लिए। अब हम गैस बंद करेंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए गर्मा गर्म दाल ढोकली बनकर तैयार है। अब हम इस पर रखते हैं एक तुलसी का पत्ता, क्योंकि हमारे ठाकुर जी का भोग बिना तुलसी के नहीं लगता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।